हेलो दोस्तों, अगर हमने न्यू और करेक्शन का फॉर्म फिलअप कर दिया है, आपने जो भी फिल किया है, इसके बाद हमारा आगे का पोर्शन रहता है डॉक्यूमेंट अपलोड। मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है, इससे पहले हमको ये जानना है कि फोटो और साइन मतलब कैसे लेना है। हमारा 3 जगह पे साइन और 2 जगह पे हमारा आगे के साइड फोटो रहता है। तो जनरली बेसिक बहुत सारे लोग ऐसा कर देते हैं कि फोटो बहुत बड़ा लगा देते हैं, या तो फिर सिग्नेचर चारों ओर कहीं पे टच हो जाता है। तो 3 या 4 दिन के बाद हमको बैक ऑफिस से कोई कॉल या मैसेज आता है बाई मेल के जरिए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो आप ऐसा ना हो, इसके लिए हमने एक इस वीडियो में आपको बताना चाहता है कि आपको ये सिग्नेचर और फोटो कैसे लगाना है। तो चलिए दोस्तों, मैंने एक फॉर्म फिलअप करके रखा हुआ है, और वो कैसे मतलब सिग्नेचर और आपको फोटो लगानी है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपका अगर न्यू न्यू फॉर्म है, अगर आपने प्रिंटेड फॉर्म को प्रिंट आउट लिया हुआ है, तो आप देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको जैसा बताया गया है इसमें वैसे ही आपको लगाना है फोटो और सिग्नेचर। आप देखिए, यहाँ पे मैंने फोटो लगाई है, लेकिन यहाँ से नीचे नहीं जा रही। देखिए, ये यहाँ पे बॉक्स खत्म हो जा रहा है, वहां तक ही आपको लगाना है। और सिग्नेचर आपका जो रहता है, ये यहाँ पे मिडल में रहे, इससे नीचे नहीं चला जाना चाहिए, या तो फिर ऊपर नहीं चला जाना चाहिए यहाँ तक, और यहाँ पर बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, यहाँ मिडल में रहे, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, एक यहाँ पे आपको फोटो लगानी है, और इस फोटो के ऊपर आपका क्रॉस सिग्नेचर आएगा इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। मतलब ये देखिए, हमने यहाँ पे पूरा क्रॉस सिग्नेचर लगाया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक हमने क्रॉस सिग्नेचर लगाया हुआ है, ऐसे देखिए। ये आपको एक ध्यान में रखना है पूरा, क्या यहाँ पर ऐसे ही आना चाहिए मतलब। और आपको एक बैक साइड में भी आपका साइन रहता है, वो भी आपको ऐसा ही करना है जैसे हमने आगे किया हुआ है। तो सो प्लीज़ एक बार ध्यान रखिए कि फोटो और सिग्नेचर कैसे सही तरीके से रहे। आप देखिए, यहाँ पर भी मैंने बीच में किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको कम्प्लीटली आपको फिल करके ही इसको डॉक्यूमेंट को 200 DPI में अपलोड करना है। ओके, तो मैं आपको बताना यही चाहता था कि आपको फोटो और सिग्नेचर सही तरीके से मतलब रहना चाहिए, और आपका देखिए आधार कार्ड है, तो दोनों एक ही पेज में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आगे का साइड इस साइड पे है तो पीछे का साइड बैक साइड में चला जाएगा, मतलब उससे आपका फाइल का साइज बहुत ही बड़ा हो जाता है। अगर दोस्तों आपने हैंड से अगर फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें भी सेम टू सेम ही रहेगा। आप देखिए, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आपने अगर हैंड से अगर फॉर्म अपना भरा हुआ है, बॉल पेन से अपना फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो भी आपको वैसे सेम टू सेम ही आपको आपको फोटो और सिग्नेचर लगाना है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, हमको हमने वैसे ही किया हुआ है, मतलब कोई इसमें चेंजेस नहीं है। ओके, यहाँ पे फोटो आएगी दोनों और आपकी, और यहाँ पे आप देखिए बीच में सिग्नेचर आपका आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्रॉस सिग्नेचर आ जाएगा। ओके, और ऐसा ही आपको बैक साइड में एक आपको लगा के देख लेना है, आपका बैक साइड में भी देख लीजिए, यहाँ पे आपको बीच में ही साइन होना चाहिए, और एक आधार कार्ड आप देख लीजिए एक बार। ऐसा पूरा का पूरा एक बार फोटो और सिग्नेचर सारा कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आपको फ्रंट पेज, बैक पेज और आपका जो भी आधार कार्ड रहता है, इस तीनों पेज को आपको एक ही PDF में बना लेना है, और इसको ही आपको स्कैन करके मतलब 200 DPI में स्कैन करना है, और ब्लैक एंड व्हाइट में स्कैन करना है, इसको कलर में स्कैन नहीं करना है। ओके, ये हमने दिखाने के लिए यहाँ पे आपको कलर में दिखाया हुआ है, हमने एक ब्लैक एंड व्हाइट, तो आपको जो फॉर्म है वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में बनाना है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट या फिर ग्रे स्केल में आप बना सकते हो। 200 DPI के अंदर आपको बना है, और MB साइज आपका 2.1 2 MB यहाँ से उससे ज़्यादा रहना नहीं चाहिए, 2 MB है तब तक ये चला जाएगा, और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आपको इस तरीके से ही पूरा इसको स्कैन कर लेना है। ओके, और अगर आप करेक्शन का फॉर्म देख रहे हैं, तो करेक्शन में भी सेम टू सेम ही आएगा, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग तरीके से होता है। करेक्शन का फॉर्म में भी आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि यहाँ पे फोटो सिग्नेचर और ये फोटो है, और ये क्रॉस सिग्नेचर है हमारा, यहाँ पर भी एक फ़ोटो लगी हुई है, और यहाँ पे एक हमारा क्रॉस सिग्नेचर है। तो बस उसी तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करके ही आगे का काम करना है। थैंक यू।